सुल्तानपुर में गोसाईगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ अधिवक्ता वेदांग त्रिपाठी और उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी करने की वजह से बार एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए पत्र दिया। अमेठी में गौरीगंज कोतवाली इलाके के डीएम आवास के पास झाड़ियों में आग लग गई। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जलकर राख हो गई। 1.5 किलोमीटर की दूरी तक आग लगने से सैकड़ों जंगली जानवरों की मौत हो गई। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के गडेरिया डी गांव में दबंग कोटेदार रजेश की धांधली पर सप्लाई इंस्पेक्टर गांव जांच करने पहुंचे, जहां सैकड़ों राशन धारकों ने शिकायत की। अयोध्या में सोहावल तहसील के कोला गांव के पास पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने वाला संदा पक्षी विहार में शिकारियों द्वारा मछलियां मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा हटाते हुए उनके गनर वापस लिए गए। जौनपुर में शाहगंज थाना पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी मुकेश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। जौनपुर में गौराबाद शाहपुर थाना पुलिस टीम ने अभियुक्त अरुण यादव को कुकुआ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान बरामद करते हुए जेल भेज दिया। जौनपुर में मड़ियाऊ थाना पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक गौतम को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद करते हुए जेल भेज दिया। रामपुर में नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। परीक्षा में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमीरपुर में सदर कोतवाली इलाके के किंग रोड पर रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जालौन में कोच कोतवाली इलाके के आरजी लाइन की रहने वाली महिला पति की प्रताड़ना से तंग आकर न्याय की गुहार लेकर एसडीएम के पास पहुंची। पुलिस से मदद न मिलने पर एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई और डॉक्टरी इलाज के आदेश दिए। बैराज में रुपेडिया थाना पुलिस ने अपनी 1.5 साल की पुत्र की हत्या करने के आरोप में सुजीत कुमार वर्मा को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया। बहराइच पुलिस कार्यालय में मौजूद परिवार परामर्श केंद्र पर 7 परिवारों के आपसी विवाद को सुलझाते हुए एक साथ रहने के लिए राजी खुशी तैयार किया गया। बहराइच में नानपारा थाना पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त धर्म सेन को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बहराइच में पैकपुर थाना पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर अवैध वसूली कर रहे अभियुक्त रजत शुक्ला को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया। लखीमपुर खीरी में राजापुर में जमीन अधिग्रहण से नाराज किसानों ने शहर के पंजाबी रसोई के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और आत्मदाह की धमकी दी। लखीमपुर खीरी मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर एक्सयूवी चालक ने 53 लीटर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग गया, जिसका फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया और रिलायंस पेट्रोल पंप सुपरवाइजर प्रमोद कुमार ने मामले की सूचना डायल 112 पर दे दी। लखीमपुर खीरी के कचहरी में पेड़ काटते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत होने से परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कचहरी में युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि पेपर लीक होने से 23 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। मेरठ में लोहिया नगर थाना इलाके के तातीना गांव में दुकान पर सामान लेने गई युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ करने के बाद युवती के पिता पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। मेरठ में नगला पातू गांव के गौ संरक्षण केंद्र में भूख और बीमारी से सैकड़ों गायों की मौत हो गई, जिससे ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।